शुभ संध्या, मैं शेषो अब सबका भारत काउंसिल गाइड की तरफ से हिंदी बीएसजी न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए मुख्य समाचार जान लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे देश भर में स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सातवीं नॉर्थ ईस्ट मिनी जैम्बोरी 12 से 16 जनवरी 2024 तक सिक्किम में आयोजित। पचमढ़ी, गतपुरी एवं दार्जिलिंग में साहसिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 3 दिवसीय आभासी सर्व स्मार्ट कार्यक्रम आयोजित। महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने गुजरात स्काउट गाइड्स को राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। कटनी एवं छिंदवाड़ा में क्लब परियोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में जिला रैली का आयोजन। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। आइए समाचार को विस्तार पूर्वक जानते हैं। एनएचपी 12 जनवरी 2024 को भारत स्काउट एवं गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार कौशिक निदेशक ने दीप प्रज्वलित कर तथा विवेकानंद के चित्र पर पुष्पमाला एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकारियों के साथ स्काउट गाइड रोवर्स एवं रेंजर्स ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर इंद्रप्रस्थ भवन के निकट 3 किलोमीटर का रूट मार्च किया। स्काउट्स एवं गाइड्स ने स्वामी जी के संदेशों वाला पोस्टर लेकर युवाओं में उत्साही समूहों ने जागरूकता रैली में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर नारे लगाए, भारत माता की जय, स्वामी जी अमर रहे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नारे लगाए एवं जनता में प्रसन्नता अर्जित की। कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 110 स्काउट एवं गाइड्स ने भाग लिया। सातवीं नॉर्थ ईस्ट जैम्बोरी 12 से 16 जनवरी 2024 तक हिमालयन हो खानीखोला माझीटार रैंकपुर सिक्किम में 11 राज्यों संघ के 700 प्रतिनिधियों से भाग लिया गया। मिनी जैम्बोरी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित के साथ 13 जनवरी को किया गया। जैम्बोरी के दौरान मनोरंजन और बौद्धिक गतिविधियों और एसडीजी हब गतिविधियां आयोजित की गई है। जैम्बोरी में विभिन्न गतिविधियां जैसे पायनियरिंग प्रोजेक्ट, नाइट हाइक, फ्रूट मार्च, लोक नृत्य, फैशन शो, कैंप फायर एवं जैम्बोरी कार्निवल आदि गतिविधियों का सभी प्रतिभागियों ने आनंद लिया। खेल एवं युवा मामले, शिक्षा विभाग और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। श्रुति जी आर सिंधिया महासचिव, प्रेसिडेंशियल काउंसिल बीएसजी और राज्य मुख्य आयुक्त कर्नाटका राज्य बीएसजी ने समापन समारोह में जैम्बोरी की शोभा बढ़ाई। श्री अमरबीर छेत्री, संयुक्त निदेशक स्काउट के नेतृत्व में जैम्बोरी का आयोजन किया गया। डॉक्टर एच पी छेत्री, माननीय राज्य मुख्य आयुक्त और बीएसजी के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के राष्ट्रीय सलाहकार जैम्बोरी प्रमुख भी उपस्थित थे। एनवाईसी गतपुरी राष्ट्रीय युवा साहसी कार्यक्रम श्री सिद्धार्थ मोहंती परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में 15 से 19 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय युवा परिषद गतपुरी पलवल हरियाणा में आयोजित किया गया। हरियाणा, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य से 178 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में के अनुसार आगरा, मथुरा, वृंदावन एवं दिल्ली का भ्रमण किया। कार्यक्रम के दौरान रॉक क्लाइंबिंग, बाधाओं को पार करना, शूटिंग, तीरंदाजी एवं ट्रेकिंग जैसे विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। एनएआई कर्शियम विशेष राष्ट्रीय साहसी कार्यक्रम 16 से 20 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय साहसी संस्थान कर्शियम दार्जिलिंग में श्री विवेक कुमार दास कनिष्ठ प्रशिक्षक के नेतृत्व में मिस कंचन राय कार्यालय सचिव की सहायता से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आसाम एवं छत्तीसगढ़ से 111 सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने रॉक क्लाइंबिंग, बाधाओं को पार करना, शूटिंग, तीरंदाजी और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद उठाया। एनएआई पचमढ़ी 479वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम 18 जनवरी 2024 को प्रभारी साहसिक कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती बिल्की शेख के नेतृत्व में राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पचमढ़ी में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अनुसार प्रतिभागियों ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लिया और पचमढ़ी के महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया। सर्व स्मार्ट प्रोजेक्ट सर्व स्मार्ट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्र मुख्यालय द्वारा 11 से 13 जनवरी 2024 तक सर्व स्मार्ट 2.0 के लिए राष्ट्रीय मास्टर्स प्रशिक्षकों के लिए 3 दिवसीय आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सत्र में सर्व स्मार्ट कार्यक्रम सर्व स्मार्ट 2.0 के भीतर नए विकास कार्य विविधताओं का विवरण एवं प्रशिक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप शामिल था। मास्टर्स ट्रेनर्स वर्कशॉप में दूसरे बैच में 40 मास्टर्स ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला का संचालन राष्ट्रीय फैसिलिटेटरों द्वारा किया गया। इस वर्कशॉप में सुश्री राशि जैन यूपी,
श्री आकाश आर केरल, श्री वैद्री साई आंध्र प्रदेश, सुश्री प्रियंका प्रजापति राजस्थान सहित राष्ट्रीय फैसिलिटेटर उपस्थित थे। क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट क्लैप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कटनी द्वारा 14 जनवरी 2024 को जागृति पार्क में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। पॉलिथीन एकत्रित करके और पार्क को प्लास्टिक कचरे से साफ किया गया। सदस्यों ने जनता को जलवायु परिवर्तन परियोजना और एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बर्ड फीडर पैन स्टैंड भी बनाया। पार्क में उपस्थित लगभग 2000 सदस्यों ने इस अभियान की सराहना की। छिंदवाड़ा जिला संघ द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूनिसेफ सहयोगिता परियोजना क्लैप के अंतर्गत जिला संघ मध्य प्रदेश के स्काउट गाइड्स द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए रेवनाथ चौड़े पार्क में समाप्त हुई। इस मौके पर पार्क में सफाई अभियान भी चलाया गया। राज्य सूची गुजरात। महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने गुजरात राज्य स्काउट एवं गाइड्स एसोसिएशन के 1667 स्काउट गाइड्स को वर्ष 2022-23 के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने 28/12/2023 को राजभवन गांधीनगर में आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह में समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले स्काउट गाइड से अपने जन्मदिन एवं अपने माता पिता के शादी की सालगिरह पर कम से कम एक पौधा लगाने एवं उनका लालन पालन करने की अपील की। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का राज्य मुख्य आयुक्त श्रीमती सविता बेन पाटिल ने स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया तथा राष्ट्रीय आयुक्त श्री मनीष कुमार मेहता ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले संघ ने 10 से 13 जनवरी 2024 तक जिला रैली आयोजित की, जिसमें 300 स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स स्काउटर्स एवं गाइडर्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 15 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 के अवसर पर उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, राजनांदगांव एवं नारायणपुर जिले के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मुख्य अतिथि एवं पुलिस कमिश्नर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अंबिकापुर एवं राजनांदगांव जिले के सदस्यों ने 12 जनवरी 2024 को विवेकानंद जयंती मनाई। राजस्थान जिला संघ बारम द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने के लिए 12 जनवरी 2024 को शिवम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अच्छू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अभियान जिला संगठन आयुक्त श्री प्रदीप चित्तौरा के नेतृत्व में चलाया गया। इस अभियान में वार्ता, सेमिनार एवं मानव श्रृंखला, जागरूकता रैली और एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया गया। इस अभियान में लगभग 491 सदस्यों ने भाग लिया तथा लगभग 37,000 लोग लाभान्वित हुए। बिहार अररिया जिला संघ ने 15 जनवरी 2024 को 34वां स्थापना दिवस मनाया। प्रभात फेरी को जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सह अध्यक्ष बीएसजी अररिया श्री राजकुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में 250 स्काउट्स एवं गाइड्स ने भाग लिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत फारबिसगंज अररिया के 250 सदस्यों ने राज्य जागरूकता रैली निकाली। रैली को फारबिसगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद सह जिला आयुक्त गाइड श्रीमती वीना देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अररिया जिले द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 स्काउट एवं गाइड्स उपस्थित थे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्वी मध्य रेलवे जिला संघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाल बहादुर शास्त्री ओपन ग्रुप ने 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 30 सदस्यों ने भाग लिया। गरहारा जिले के विवेकानंद स्काउट समूह ने 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस और समूह स्थापना दिवस मनाया। सदस्यों ने स्काउट्स एवं गाइड्स को स्वामी विवेकानंद के संघर्षों और विचारों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षण आयुक्त श्री विपिन कुमार पांडे एवं जिला संगठन आयुक्त श्रीमती अमरावती सहित लगभग 50 सदस्यों ने भाग लिया। ईस्टर्न रेलवे पूर्वी रेलवे राज्य के दो मोहानी ग्रुप ने 12 जनवरी को युवा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इसमें कप, बुलबुल, स्काउट गाइड, रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं के बीच बौद्धिक विकास और टीम वर्क को बढ़ावा देना है, जो उनके समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा राज्य स्तरीय स्काउट एवं गाइड सम्मेलन 6 से 7 जनवरी 2024 तक डॉगलस मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। सम्मेलन की मेजबानी बैरकपुर लोकल संघ द्वारा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य आयुक्त श्री श्यामल कुमार विश्वास द्वारा किया गया। इस आयोजन में विभिन्न 10 जिलों से 127 स्काउटर्स एवं गाइडर्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मध्य हावड़ा व्यायाम समिति पश्चिम बंगाल राज्य के सदस्यों ने 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद के 161वें जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया, जिसमें 48 स्काउट गाइड रोवर्स और वैक्स लीडर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल राज्य के सेंट क्लैरेट स्कूल स्काउट्स एवं गाइड्स ग्रुप बैरकपुर द्वारा स्काउटिंग के 10 वर्ष के उपलक्ष्य में वार्षिक शिविर 2024 वर्दी हावड़ा बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में 14 से 16 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें 75 कब बुलबुल स्काउट गाइड एवं यूनिट लीडर्स सदस्यों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले संघ ने 17 जनवरी 2024 को राज्य युवा समिति के अध्यक्ष श्री एम हरीश कुमार के नेतृत्व में 3 टाउन पुलिस स्टेशन के सहयोग से यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस उप निरीक्षक ने सभी स्काउट्स एवं गाइड सदस्यों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की। उत्तर प्रदेश राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा 16 से 20 जनवरी 2024 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में साहसिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार के नेतृत्व में किया गया। एडवेंचर कैंप में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। आगामी कार्यक्रम एवं उत्सव आयोजन का नाम 25वां अंतर्राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान NAI पचमढ़ी, दिनांक 2 से 8 फरवरी 2024। आयोजन का नाम छात्रों के लिए जापान पूर्वी एशिया नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज और यूथ, स्थान टोक्यो जापान, दिनांक 6 से 13 फरवरी 2024। आयोजन का नाम राष्ट्रीय युवा साहसिक कार्यक्रम, स्थान मनाली हिमाचल प्रदेश, दिनांक 10 से 14 फरवरी 2024। आयोजन का नाम राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान कर्शन पश्चिम बंगाल, दिनांक 12 से 16 फरवरी 2024। आयोजन का नाम 490वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान NAI पचमढ़ी, दिनांक 14 से 20 फरवरी 2024। आयोजन का नाम राष्ट्रीय एकता शिविर एवं कब बुलबुल उत्सव, स्थान NYC गढ़पुरी हरियाणा, दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024। आयोजन का नाम कब बुलबुल उत्सव, स्थान NYC गढ़पुरी हरियाणा, दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024। आयोजन का नाम गोल्डन एरो अवार्ड रैली, स्थान NYC गढ़पुरी हरियाणा, दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024। आयोजन का नाम राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान कर्शन पश्चिम बंगाल, दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024। आयोजन का नाम राष्ट्रीय युवा साहसिक कार्यक्रम, स्थान गोवा, दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2024। आयोजन का नाम 491वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम, स्थान NAI पचमढ़ी, दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2024। आयोजन का नाम रोवर्स के लिए SDG पर 10वीं राष्ट्रीय स्तर की वकालत कार्यशाला रेंजर्स और युवा लीडर्स, स्थान डोडा बल्लापुर कर्नाटका, दिनांक 28 फरवरी से 3 मार्च 2024। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।